दिल्ली की आंख ने जो कहानी देखी है वो कहानी हमने सेलुलॉइड पे ये तस्वीर में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की. इट इज लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिल्ली दैट हाउ द यूथ इज रिएक्टिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली, हाउ वेरी इनोसेंट पीपल, हाउ द नॉर्मल कॉलेज गोइंग पीपल डेवलप सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड देन सम क्राइम हैपेंस, समथिंग हैपेंस इन द मूवी, दिस लाइक सम सस्पेंस एलिमेंट इन इट. जो भी फिल्म के हिस्सा होते हैं वो हमेशा अपनी फिल्म के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन रियली ये फिल्म इसलिए अच्छी बनी से कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे कि अभी जो गाना आपने देखा तेरी माँ का घोंसला, ये गाना जो है ये गाना ही बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा. और इस जाहिर सी बात है ऐसा गाना यू नो इस तरह से बज रहा है, किसी के भी जहन में एक बार बज गया तो बजता ही रहेगा. नैरेटर जो है ये फिल्म की दिल्ली सिटी है, क्योंकि दिल्ली कहानी सुना रही है इसलिए टाइटल दिल्ली आए. हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे अपोजिट हैं, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं. और ये जो है ये हमेशा कुछ ना कुछ कॉमेडी करता ही रहता है, इसको देख करके ऑडियंस वैसे ही हंसने लग जाएंगे. एक्चुअली हम सबकी एक टीम है जो आपस में यू नो लाइक लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक से एक यू नो लाइक सीन है उसमें डायलॉग्स हैं. मतलब जो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी एक मूवी के, थ्रिलर, यूथ, सेक्स, कॉमिक, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द सिंगल मूवी. मतलब इट्स काइंड ऑफ 100% paisa wasooli se. This entire group who's all the time having fun in college and you know having a total entertainment life suddenly get into a suspense thriller. So that is something I would say that it's just an add on in to our movie. Jab youngsters aapas mein jama hote hain to wo masti mazak karte hain, acha bhi karte hain, kabhi kabhi unse galti bhi. जब गलती हो जाती है और जब उनके हाथों से क्राइम हो जाता है तो वो उस क्राइम को छुपाने के लिए कैसे जद्दोजहद करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं और कैसे पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, यही सारी चीज़ों को मिक्स मैच करती हुई म्यूजिकल फिल्म है. ये तो ब्रा पहन के आ जाता है क्लास में और इसको ब्रा में पहनाता हूँ. हाँ, ये मुझे वो सारी चीजें हैं और हमेशा मैं ही बलि का बकरा बनती हूँ, तो ये लोग सब मुझे ही एकदम बलि का बकरा बना के और आसपास यू नो कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. माय कैरेक्टर नेम इज तनु इन दिस फिल्म एंड वन ऑफ द लीड और सब साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता थ्रू आउट मूवी इसका और मेरा. मतलब इट्स काइंड ऑफ टेंशन. ही इज माय बेस्ट बडी एंड ही इज माय बॉयफ्रेंड यू कैन से. तो कभी ही इज पुलिंग माय लेग, सम टाइम्स आई एम पुलिंग. या या व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट दिस मूवी इज सॉन्ग्स. I think they are just awesome. People are just gonna love the songs. माँ का घोंसला जो है ये गाना सरोज खान जी ने किया है. पहली पिक्चर में उनके साथ काम करना, इट्स लाइक कि आपने एक विश की और वो पूरी हो गई. कवल शर्मा जैसे डायरेक्टर और सरोज खान जैसी यू नो कोरियोग्राफर मिल जाए जिसको पहली ही फिल्म में, उसका ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा ही होगा. बट या सेट पे टाइट थे हम लोग बिल्कुल. फिल्म का लुक बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही एनर्जेटिक है. सिर्फ दो चीज, फ्रेश एंड एनर्जेटिक. तो ये फिल्म की जो मैं परिभाषा दूंगा वो दूंगा कि ये एक मसाला फिल्म.